हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 50 तक 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था, इसको पढ़ा था। और आज हम 51 से शुरुआत करते हैं, जो कि यूनिट हमारा फर्स्ट है यूपीएचएससी सिलेबस का। तो 51 से क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1662 टू 1700 इज़ कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ द 1950s। तो 1950 का मोमेंट किससे रिलेट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, वो है फिलिप लार्किन, विच वॉज द डोमिनेटिंग एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। वो जॉन ड्राइडन है। द रेस्टोरेशन पोएट्री वॉज मोस्टली इमिटेशन ऑफ द एंशियंट सटायरिकल रियलिस्टिक इन नेचर था। द पीरियड ऑफ जॉन ड्राइडन वॉज 1631 से 1700 के बीच में जॉन ड्राइडन का पीरियड कहलाता है। मोस्ट न्यू क्लासिकल पोइट्स व्यूड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हायरार्की। तो व्हाट वाज दिस हायरार्की कॉल्ड। पूरी दुनिया को कुछ न्यू क्लासिकल पोइट्स ने वर्ल्ड को एक हायरार्की या सामंतवादी ऑर्डर के रूप में देखा। तो उसको किस रूप में समझा जा सकता है, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के रूप में समझा जा सकता है। अलेक्जेंडर पोप कॉइंड मेनी अ मॉडर्न डिक्लिशे विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट ओरिजिनेट विद हिम। तो लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर रात, ये अलेक्जेंडर पॉप का नहीं है, बाकी ये तीनों अलेक्जेंडर पॉप के हैं। कंप्लीट दिस फेमस कोट बाई जॉन ड्राइडन, हु थिंक टू लिटिल एंड हु टॉक टू मच। मच यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये लाइन आपको एब्सलोम एंड अचिटोफल में मिलेगी। दिस फेमस न्यू क्लासिकल पोइट रोट ऑन प्रोफाउंड थीम सच एज डेथ, बट ही ऑल्सो हैड अ लाइटर साइड। He once wrote an ode on the death of a favorite cat drowned in a tub of gold fishes. किसने लिखा है वो? वो है थॉमस ग्रे ने। What mock epic begins? What diaphanes from amorous cause springs? What mighty contest rise from trivial things? ये लाइन जो है द रेप ऑफ द लॉक से है, जिसको पोप ने लिखा है। John Donne is in some sense the originator of metaphysical poetry, but who is most closely associated with the founding of neoclassical poetry? Ben Jonson, neoclassical, ये John Donne को metaphysical poetry का originator कहा जाता है, लेकिन इससे जो closely associated है neoclassical poetry से, वो है Ben Jonson। और इनको एक बार एक क्वेश्चन आया था एलटी ग्रेड में, न्यू क्लासिकल पोइट्री का रिलेशन किससे है, तो बेन जॉनसन से है। न्यू क्लासिसिज्म शायद आया था, किससे रिलेट करता है, तो बेन जॉनसन है। ये बेन जॉनसन आंसर सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। तो न्यू क्लासिकल पोइट्री का कॉमन फीचर कौन सा इसमें नहीं है, तो फैंटेस्टिक कंपेरिजन नहीं है, बाकी सारे हैं इसमें। One impulse from a vernal wood may teach you more of the man of more evil and of good than all the sages can। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो कि टेबल स्टैंड में लिखी गई हैं। Who termed the romantic age as the age of William Wordsworth? तो लुईस कैजमियन ने रोमांटिक एज को एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कहा है। How many stages are mentioned in the development of Wordsworth's love for nature? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ड्सवर्थ का जो लव फॉर नेचर, इसको 4 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, दीज लाइंस आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है, प्रिल्यूड से। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी प्रिल्यूड में ही है। द लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विद द राइम ऑफ द एंशियंट मैनर, और क्लोज किससे होता है, अगला क्वेश्चन। द लिरिकल बैलेड्स क्लोजेस विद लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबी। द ऑक्सफोर्ड मोमेंट, अच्छा इससे जो है, इन दोनों में से जो ओपनिंग और क्लोजिंग का क्वेश्चन जो है, ये तो खैर आया इसमें, लेकिन अब की बार UPSC का जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो लिरिकल बैलेड्स में नहीं है। तो प्रोबेबली उसमें एक था जो उसमें नहीं था, मुझे एग्जैक्टली ख्याल नहीं, क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाऊँगा तो मैं क्लियर करूँगा उसको। द ऑक्सफोर्ड मोमेंट रिप्रेजेंट्स द रोमन कैथोलिक रिलीजन। ऑक्सफोर्ड मोमेंट जो था, एक रिलीजियस मोमेंट है, जो कि रोमन कैथोलिक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। द ग्रेट एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन 1851 एट
लंडन. विक्टोरियाज फादर वॉज द सन ऑफ विच ब्रिटिश मनार्क? जॉर्ज थर्ड. विक्टोरिया के फादर जो थे वो जॉर्ज थर्ड के बेटे थे. वाट ईयर्स कवर द स्पैन ऑफ विक्टोरियाज रेन? तो 1837 से 1901 के बीच को विक्टोरिया का शासनकाल कहा जाता है. विक्टोरियाज गोल्डन जुबली अकर ड्यूरिंग विच ईयर? तो 1887 में गोल्डन जुबली, मतलब विक्टोरिया का जो गोल्डन जुबली मनाया गया था 1887 के बीच में. 37 में 50 जोड़ेंगे तो 87 आएगा, और जो कि गोल्डन जुबली जो है 50 साल पे मनाया जाता है. क्वीन विक्टोरियाज रेन वॉज नोटेबल फॉर बींग द लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश हिस्ट्री. क्वीन विक्टोरिया का जब शासन था पूरी इंग्लिश हिस्ट्री में सबसे लंबा रहा है. क्वीन विक्टोरिया सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर विलियम फोर्थ. विलियम फोर्थ के बाद क्वीन विक्टोरिया आई थी, और क्वीन विक्टोरिया बीकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876. 1876 में क्वीन विक्टोरिया इंडिया की एम्प्रेस बनी थी. हु वॉज द लीडर ऑफ द प्री रेफेलाइट ग्रुप? प्री रेफेलाइट ग्रुप का लीडर कौन था? डी जी रोसेटी. अर्नाल्ड्स कल्चर एनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट सेज नेचर रिटन टू थिन क्लॉ? ये टेनिसन ने कहा था. चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स जनरली आर फ्लैट. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज? अच्छा, ये फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं, जो सेम रोल प्ले करता है पूरे प्ले में उसी को फ्लैट कहते हैं, और जो अपना रोल प्ले चेंज करता रहता है उसे राउंड कैरेक्टर कहते हैं, मल्टीपल जो रोल प्ले करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज? तो नावल जो था वो सबसे पॉपुलर फॉर्म था लिटरेचर का, जो विक्टोरियन एज में फेमस था. फ्रेजेज लाइक इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस एंड ह्यूमन मिजरी, ये तो डॉर्वीज से है लाइन. द पोएट फिलिप लार्किन बीकेम अ लाइब्रेरियन इन 1955 एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज? तो हल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे वो. द मोमेंट एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म इज डेडिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, इससे रिलेट करता है. ओके, टू होम द स्लोगन मेक इट न्यू इज वाइडली एट्रीब्यूटेड. मेक इट न्यू का संबंध एजरा पाउंड से है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्निस्ट मोमेंट? तो कौन सा मॉडर्निस्ट मोमेंट नहीं है? रियलिज्म जो है वो मॉडर्निस्ट मोमेंट में नहीं आता है. विच मोमेंट इज कनेक्टेड टू द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक? तो एस्थेटिज्म कनेक्टेड है आर्ट फॉर आर्ट सेक से. वाई इज द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड एसोसिएटेड विद डी एच लॉरेंस? तो डी एच लॉरेंस का रिलीजन ऑफ द ब्लड क्या है, किससे एसोसिएटेड है? तो वो है बिकॉज सेवरल ऑफ हिज नॉवेल्स एक्सपोज सेक्सुअल एक्सपीरियंस. ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से इसको रिलीजन ऑफ द ब्लड फ्रेज क्वाइन किया गया है इसमें डी एच लॉरेंस के द्वारा. सन्स एंड लवर्स में देखा जा सकता है. इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन दोनों का जिक्र है. द टर्म लॉस्ट जनरेशन वॉज क्वाइंड बाई लॉस्ट जनरेशन गर्टूड स्टेन के द्वारा क्वाइन किया गया था. द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 से लिया गया था. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको विलियम जेम्स ने लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट कैरेक्टराइजेज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट विच वाइडन द ब्रीच बिटवीन आर्टिस्ट एंड द रीडिंग पब्लिक सोइंग द सीड्स ऑफ मॉडर्निज्म? तो ये आर्ट फॉर आर्ट सेक है. फिलिप लार्किन इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट 1950 मालूम है आपको. वॉट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंटेम्प्रेरी कल्चरल प्रोडक्शन. अ लिटरेरी मूवमेंट कंसर्न विद एक्सट्रीम सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी एन अटेम्प्ट टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन हाई एंड लो कल्चर. तो इसका मतलब इस चारों से होंगे. वॉट इज इमेजिज्म? इमेजिज्म क्या है? ये अ पोएटिक मूवमेंट दैट होप टू ऑफर अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक विजुअल इमेजेस एन अटेम्प्ट टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ फ्लावरी एक्सेसिव डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन पोएट्री. ये दोनों इमेजिज्म की कैटेगरी में आएंगे. अकॉर्डिंग टू द ट्रिस्टन ज़ारा'स मैनिफेस्टो ऑन डैडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन डैडिज्म? तो अ टेल टोल्ड बाय नेटिव फुल ऑफ सन एंड फ्री सिग्निफाइंग नथिंग ये डिफाइन नहीं करता, बाकी सारे डिफाइन करते हैं. और ये लाइन तो विलियम शेक्सपियर की है. अ टेल टोल्ड बाय नेटिव फुल ऑफ सन एंड फ्री सिग्निफाइंग नथिंग मैकबेथ से है वो लाइन.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सैमुअल बेकेट्स प्ले वेटिंग फॉर गॉडो, तो कौन सी लाइन अच्छे से डिस्क्राइब करती है सैमुअल बेकेट का जो प्ले वेटिंग फॉर गॉडो है? तो ये तीनों सही है, यानी कि चारों चौथा ऑप्शन सही है। बेकेट्स वर्क एक्सप्रेसेस सर्टेन फ्रस्ट्रेशन विद द इनएबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू फुल कैप्चर द ह्यूमन कंडीशन। बेकेट्स प्ले एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज हेल्प्स टू फॉर्म वंस नोशन ऑफ सेल्फ। Beckett's work captures an almost transcendent melancholy as it explores human desires for redemption that may or may not ever materialize. With which theorist is phenomenology associated? किस theorist से phenomenology associated है, संबंध है उसका? तो Wolfgangizer, Jean Paul Sartre, Emmanuel Levinas. When was John Dryden poet laureate? John Dryden poet laureate कब थे? ये 1668 से 1688 तक. Which of the following is not the themes of Victorian period? Victorian period का theme कौन सा नहीं है? Industrialization, urbanization, immigration, इस सारे जो है ये तीनों theme है, बाकी चौथा नहीं है, religious corruption नहीं है। Which of the following is not a transitional poet? इनमें से कौन transitional poet नहीं है? तो Thomas Gray transitional poet नहीं है, बाकी William Black, Robert Burns और W. Beards ये ट्रांजिशनल पोएट्स हैं। तो ठीक है गाइस, ये 100 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट यूनिट के ख़त्म हो गए।